दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इस दुनिया में हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो कोई बहुत खुश होता है। कोई इंसान के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है तो कोई इंसान बहुत ज्यादा गरीब होता है। कोई इंसान डर के जीता है तो कोई इंसान कॉन्फिडेंस के साथ जीता है। किसी के पास बहुत अच्छा घर होता है और किसी के पास रहने के लिए घर ही नहीं होता है। दोस्तों, ऑथर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बात अगर हम माने तो ऐसा हमारे अंदर प्रेजेंट अलग अलग तरह के सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। देखिए, जिंदगी के जो नियम होते हैं ना, वह हमारे विश्वास से बनते हैं और हमारा विश्वास हमारे माइंड के अंदर के विचार से बनता है। एक इंसान जिस तरह से सोचता है, वह जिस तरह से फील करता है, उस इंसान का दिमाग, उस इंसान का शरीर और उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। देखिए, हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो डायरेक्टली बाहर के एनवायरमेंट के साथ डील करता है, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। यह दिमाग का वो पार्ट होता है जो हमारे शरीर के इंटरनल एनवायरमेंट से डील करता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी सक्सेस, हमारा पैसा, हमारे रिलेशन से लेकर हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए जानते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। दोस्तों, इस बुक को मैंने अमेजोन से 160 रुपीज में खरीदा है। इस बुक में टोटल 256 पेजेस हैं। इस बुक की समरी बनाने के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप स्पिरिचुअल साइकोलॉजी बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको जिंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात चालू होती है चैप्टर 1 से, जिसमें ऑथर जोसेफ मर्फी हमसे कहते हैं कि हमारे अंदर एक खजाना छुपा हुआ है, और वह खजाना है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी हेल्प से आप दुनिया की हर एक चीज पा सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं, आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और वह हर एक चीज जो आप जिंदगी में चाहते हैं आप उसे पा सकते हैं। पर कैसे, बस यही तो जानना है हमें इस बुक से। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि इंसान दो तरह के होते हैं। एक वह होते हैं जो सोचते हैं कि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, हर हाल में मैं जो काम करूँगा उसमें मुझे सक्सेस होना ही है। और एक होते हैं जो जस्ट इसका उल्टा सोचते हैं कि यार दुनिया क्या कहेगी, मैं बिजनेस करूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, जो दूसरे तरह के इंसान होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह का डर उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। और जब दिमाग में डर बना होता है तब आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह के इंसान बनेंगे यह डिसाइड करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दूसरे तरह के डरने वाले इंसान से पहले तरह के इंसान में बदल सकता है। बस आपको यह जानना है कि आखिर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से यूज़ करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मन पर विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देते हैं तो बस इसी के साथ ही आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम स्टार्ट हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करना सिखाता है। आप जिस तरह से सोचते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं, और वही सबकॉन्शियस माइंड आपसे फिजिकल वर्ल्ड में काम करवाता है। तो कभी भी आप इस तरह से मत सोचिए कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है और मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपनी मनचाही चीज़ों को पाने में एक कदम वैसे ही पीछे होते जाते हैं, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर ही ऐसा दिया है कि मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तुरंत अपने विचारों को बदल लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वह हमारे इमोशंस को बाहर की दुनिया के लिए एक्टिवेट करने का काम करता है। वो हमारे इमोशंस को फिजिकल वर्ल्ड में दिखाता है। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा होगा तो आप जरूर अपने अंदर पॉजिटिव सोच रहे होंगे, और अगर आपके साथ बुरा हो रहा होगा तो आप जरूर अपने सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट्स को लेकर बैठे होंगे।
जरा सोचिए कि आप उस एग्जाम में फेल नहीं हो गए थे जिसमें आप पहले से यह सोच कर गए हों कि यार मैंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। हम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे वही बनते जाते हैं जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे निगेटिव बनते जाएंगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव सोच वाले इंसान बनते जाएंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब कोई ओपिनियन या कोई विचार उस तक पहुंचता है तो वह तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। वह यह नहीं देखता कि यह सही है या गलत है। अब यह हमारे ऊपर होता है कि वह थॉट, वह ओपिनियन या वह विचार जो हम उसे दे रहे हैं, हम उसे निगेटिव ना दें बल्कि उसे सिर्फ पॉजिटिव विचार ही दें। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव थॉट्स देते हैं तो वह हमारे अंदर सैड और स्ट्रेस भर देता है, और अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचार देते हैं तो वह हमें सक्सेस और हैप्पीनेस दिलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए आपका दिमाग एक ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर बैठा हुआ ऑफिसर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हुआ चौकीदार आपका कॉन्शियस माइंड है, और बाहर की पूरी दुनिया वह लोग हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के थॉट्स लेकर ऑफिस आए हैं। अब ऑफिस के अंदर बैठा हुआ ऑफिसर हर उस काम को करेगा जो उस ऑफिस का गेटकीपर उस तक पहुंचाएगा। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह काम पॉजिटिव है या निगेटिव है, पर आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, मतलब जो आपका चौकीदार होता है, वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है, अच्छी तरह से फिल्टर कर सकता है कि अंदर ऑफिसर तक मैं सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर जाऊँ। इसलिए अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट्स को फिल्टर कर देंगे और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखेंगे तो आपके ऑफिसर यानी सबकॉन्शियस माइंड तक कभी निगेटिव थॉट्स पहुंच ही नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। एक कहानी के बारे में जानते हैं जो इस बुक में मेंशन की गई है। किसी शहर में जेनेट नाम की एक बहुत टैलेंटेड सिंगर रहती थी, और एक बार उन्हें एक बहुत बड़े प्रोडक्शन में सिंगिंग का ऑडिशन देने जाना था। उन्होंने 3 बार पहले भी वहां ऑडिशन दिया था लेकिन हर बार वह रिजेक्ट कर दी जाती थी। वह सोच रही थी कि इस बार भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहां तक कि वह लोग यह सोचेंगे कि यह 3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी यहां पर आई ही क्यों है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं ऑडिशन देने के लिए तो जरूर जाऊंगी लेकिन मैं फेल हो जाऊंगी। बस फिर क्या होना था, जेनेट के सबकॉन्शियस माइंड ने इस निगेटिव ऑटो सजेशन को सच मान लिया और इसी के अकॉर्डिंग काम करने में लग गया, और जेनेट का डाउट रियलिटी में बदल गया। इससे हुआ यह कि वह ऑडिशन देते वक्त इस बार तो अपनी स्क्रिप्ट ही भूल गई, लेकिन कुछ दिन बाद जेनेट ने 5वीं बार फिर ऑडिशन देने का फैसला किया। पर इस बार ऑडिशन देने जाने से पहले 10 दिन तक जेनेट हर दिन अपने आप से 10 बार कहती थी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं रिलैक्स्ड हूँ और मुझे यह रोल मिल चुका है। और जब ऑडिशन देने 5वीं बार उस प्रोडक्शन में पहुंची तो इस बार उन्हें सक्सेस मिल गई। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को पॉजिटिव ऑटो सजेशन का यूज करके बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अगर आप यह बात चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करे तो आपको इसको सही दिशा देनी होगी, सही डायरेक्शन देना होगा। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हम अपने डिसीजन और हमारे जो थॉट्स होते हैं वह बाहर की दुनिया से अफेक्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना है। देखिए, सही तो वही है जो आपको सही लगता है, क्योंकि जिंदगी आपकी है इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भूकंप आया और आग लग गई। जब ऐसा हुआ तो वहाँ के हॉस्पिटल में जो बीमार और पैरालाइज लोग थे, जो काफी लंबे समय से बिस्तर से उठे भी नहीं थे, वह भी उठ खड़े हुए और उन्होंने ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जान बचाई। वहाँ पर उपस्थित लोग यह देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर इतनी पावर उन लोगों के अंदर कहाँ से आई। यह पावर आई थी उनके सबकॉन्शियस माइंड से, जिसने उन्हें बताया कि उनके पास उठकर खड़े होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पॉइंट नंबर 5,
अब बात करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बुक में लिखते हैं कि हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड की कोर पावर हमारे बिलीफ में होती है, हमारे विश्वास में होती है। अगर आप इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं बताया है कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ और एक बहुत अच्छी लाइफ बिता सकता हूँ। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा, तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे, जितना पढ़ाई करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकम और मेहनत का जो ग्राफ होता है वह कभी भी लीनियर नहीं होता है। फिर से सुनिए इस बात को, इनकम और मेहनत का जो ग्राफ होता है वो कभी भी लीनियर नहीं होता है। जबकि अक्सर हमें बचपन में इससे बहुत अलग सिखाया जाता है। बचपन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद एक अच्छी 9 to 5 की नौकरी लग जाए, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। इस तरह से हम कभी भी वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई यह बात हमें उस दिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम और डिप्रेशन में लाकर खड़ी कर देती है, जब हम और लोगों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि वह तो हमसे बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हमसे कहीं अच्छी लाइफ जी रहा है। तो अब करना क्या है? आपको करना यह है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह भरोसा दिलाना है कि आप भी जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। आप इस दुनिया में किसी झोपड़ी में रहने या फिर भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ पर एक अच्छा जीवन जीने के लिए आए हैं। देखिए, दुनिया में हर एक इंसान को अमीर बनने का हक है, और अमीर बनने की अपनी इस इच्छा को लेकर कभी भी आप किसी के सामने गिल्ट फील मत कीजिए। पॉइंट नंबर 6, योर अनकॉन्शियस माइंड इज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान के पास साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सक्सेस का पहला स्टेप उस काम का पता लगाना होता है जिसे करने पर आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब तक आप अपने प्रोफेशन या वह काम जो आप कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, तब तक आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं, भले ही दुनिया आपको कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना मानती रहे। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में झांक कर यह देखना होगा कि आप किस काम को करने पर सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। वही आपका पैशन होगा और वही वह काम होगा जिसको करने पर आप खुश भी रहेंगे और दुनिया आपको सक्सेसफुल भी मानेगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, तो आपको उस काम में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना होगा और उसमें सबसे अच्छा बनने की चाह रखनी होगी। और तीसरा और अंतिम स्टेप बताता है कि अब जब आपको यह पता चल गया है कि आपको किस काम को करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और आप उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुके हैं, तो अब आप यह सोचिए कि मेरा यह काम मानवता को किस तरह से बेहतर बना सकता है, मैं किस तरह से ह्यूमन लाइफ को सर्व कर सकता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिएगा, इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन वीडियो में टाइम के लिमिट होने के कारण मैं इसके सिर्फ 6 चैप्टर्स को ही आपके साथ शेयर कर पाया हूं। और यह बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको इसे पढ़ने पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहता हूं आप इसे जरूर खरीद कर पढ़िए। अब जब तक मैं इस वीडियो को समराइज करता हूं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले हमने देखा कि हमारे अंदर एक खजाना छुपा हुआ है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी सहायता से हम वह सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक दूसरे से किस तरह से डील करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना ऑटो सजेशन क्या होता है और क्यों हमें हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन खुद को सजेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह हमें उन सिचुएशंस में भी रास्ता दिखाता है जब हमारे पास सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा कि किस तरह से वेल्थ क्रिएशन के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं और क्यों बहुत सारे लोग बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में हमने देखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से सक्सेस दिलाने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। जल्द ही आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए बुक की समरी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।